हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव। तो हम लोग आज देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इंटरव्यू बेसिस पे, और देखते हैं आज की वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आपको बोल दिया जाए कि जाइए प्लॉट कीजिए बताइए, तो इसके बारे में आप क्या रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, यही इंटरव्यूअर बहुत अच्छे तरीके से आपको चेक करता है। तो आप क्या करेंगे उस समय, आपका रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्ट आप जाएंगे ऐसे ऐसे प्लॉट कर देंगे या फिर आप कुछ बताएंगे? तो नहीं, डायरेक्टली आपको नहीं जाना है। और हाँ, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग हो गया था इस बीच में, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई होप आई बिलीव कि अब मैं ठीक हूँ और अब रेगुलर वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जाइए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप प्लॉट कीजिए समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि जी सर बिल्कुल मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करूंगा, बट उससे पहले मैं जानता हूं कि दो तरीके का मटेरियल जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं जब इस तरीके का क्वेश्चन राइज होता है, तो कि एक डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल हम लोग मेनली बेसिस पे, किस बेसिस पे, तो इलोंगेशन के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा ब्रिटल है और कौन सा डक्टाइल है। तो इलोंगेशन अगर 5% से अगर कम रहेगा तो इसको हम लोग ब्रिटल मटेरियल के कैटेगरी में डालेंगे। अगर इलोंगेशन ग्रेटर देन 5% होगा एंड लेस देन 15% होगा तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल के कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। एंड इलोंगेशन ग्रेटर देन 15% अगर होगा तो इसको हम लोग कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल के कैटेगरी में इसको हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जैसे ही प्लॉट करने बोला जाए तो हम लोग बताएंगे कि हाँ, दो तरीके का मटेरियल होता है जनरली, एक डक्टाइल एक ब्रिटल। तो डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एलोंगेशन हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डक्टाइल अगर बोल दिया जाए तो डक्टाइल तो एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, माइल्ड स्टील भी होता है, ब्रास भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसका प्लॉट करें, अगर मैं बोल दूँ डायरेक्टली कि हाँ एल्यूमिनियम का प्लॉट करूँ तो लीजिए हो गया एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो क्या इसको अब समझा पाऊंगा, क्या नहीं समझा पाऊंगा? तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, बिकॉज अगर माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग लेंगे तो एक एक पॉइंट उसमें अच्छे से क्लियर होगा, कौन सा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यूटीएस या फिर फ्रैक्चर पॉइंट, सारा का सारा अलग अलग इसमें दिखता है। तो इसको क्लियर करते हैं और लेते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और उसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, माइल्ड स्टील तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन माइल्ड स्टील पे जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली UTM मशीन की मदद से करते हैं, जो कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। जिस स्पेसिमेन को UTM मशीन पे लगाया जाता है उसको डम्बल शेप स्पेसिमेन या फिर डॉग बोन स्पेसिमेन भी बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इसका शेप होता है, ठीक है, और इसी शेप के ऊपर टोटल इसका डिजाइनिंग किया जाता है ऐसे, और इस दोनों पॉइंट के ऊपर UTM मशीन के ऊपर फिक्स किया जाता है, ठीक है, और इस लेंथ के ऊपर टोटल फोकस रहता है हम लोगों को क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं गॉस लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और इसी लेंथ के ऊपर हम लोग टोटल कंसिड्रेशन देखते हैं, इसका इनिशियल डायमीटर को हम लोग अगर डी बोलते हैं तो बाद में क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग आएगा वो हम लोग आगे जा करके देखेंगे। तो चलिए प्लॉट करता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को अच्छे से कैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रकार का स्पेसिमेन दोनों तरफ से फिक्स किया जाता है, ठीक है, दोनों इनको फिक्स किया जाता है, और कुछ इस प्रकार का हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो वाई एक्सिस है इसमें हम लोग स्ट्रेस को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को लेते हैं, या फिर इसको लोड वर्सेस इलोंगेशन डायग्राम भी बोला जाता है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट तक जो हमारा कर्व होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसी पॉइंट तक हुक्स लॉ, कौन सा हुक्स लॉ वैलिड होता है, कौन से पॉइंट तक, जो हमारा ए पॉइंट है, और ए पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल लिमिट, हम लोग डायरेक्ट पी एल से लिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश किया, प्रोपोर्शनल लिमिट को हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। और इसके बाद जब और लगातार लोडिंग को हम लोग रखे रहे उसके ऊपर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर लोडिंग रखे रहेंगे तो ये थोड़ा सा और इंक्रीज होगा और आगे की ओर जाएगा, अभी भी ये कर्व नहीं होगा कम्प्लीटली, ये थोड़ा थोड़ा कर्व होना शुरू होगा, बट लगातार ऐसा ही रहेगा, और बी पॉइंट पे जैसे ही जाएंगे तो बी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, ठीक है, बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट, और इससे ऊपर और थोड़ा सा जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा कर्व होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा, इसको बोलेंगे पॉइंट नंबर सी, और पॉइंट नंबर सी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अपर यील्ड पॉइंट, क्या बोलेंगे, अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यील्डिंग होना शुरू हो गया, ठीक है, और जो बी पॉइंट था इसको इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। इस पॉइंट तक अगर मेंबर को हम लोग स्ट्रेन करते हैं, खींचते हैं और वापस उसको छोड़ेंगे ना, तो अपने शेप में आ सकता है, बट जब इलास्टिक लिमिट के बाद हम लोग आगे रेगुलर इसको स्ट्रेन करते रहें, खींचते रहें, तो ये जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे ना, तो कम्प्लीटली अपने शेप में वापस नहीं आएगा, आएगा कोशिश करेगा बट कम्प्लीटली अपने शेप में वापस नहीं आएगा, ठीक है, बट टिल द यील्ड पॉइंट, इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो जो यील्डिंग होगा वो कम्प्लीटली यील्डिंग होगा, उस पर कोई भी वापस आने की 1% भी चांसेस नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि स्ट्रेस का वैल्यू या फिर बोले कि लोड का वैल्यू आप नहीं भी लगाएं तो यील्डिंग होते रहेगा, ठीक है, यील्डिंग होते रहेगा। और इस पॉइंट पे जो पॉइंट नंबर डी मिला आपको, इस डी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, इस शॉर्टकट को समझिएगा, पीएल प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट तक लोअर यील्ड पॉइंट, मतलब यहाँ तक ए रेगुलर डिफॉर्मेशन हो रही है, हमने लोड नहीं भी लगाया तब भी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये बिल्कुल ही यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे एंडिंग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग आया नहीं, अभी तक उसका क्रॉस सेक्शन है, जो डायमीटर उसका डी है, गेज लेंथ एल है, इसमें कोई चेंजिंग फिजिकल रूप से नहीं आई है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है ना, यह नहीं दिखेगा, कब तक नहीं दिखेगा, आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि हाँ किस पॉइंट से दिखेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद इसके अंदर इरेगुलर चेंजिंग आता है, मतलब इसके अंदर बिहेवियर जो होता है मटेरियल का चेंज होना शुरू हो जाता है, और कुछ इरेगुलर बिहेवियर आता है तो कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं होता कि किस तरीके का चेंजिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा इसके अंदर स्टार्ट हो चुका है, बट आफ्टर दैट इस पॉइंट जो इस पॉइंट पे आ गए और इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि ड्रास्टिकली स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ने लगता है, क्या होता है, ड्रास्टिकली स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ने लगता है, यहाँ से इस पॉइंट तक मतलब ऊपर जाने लगता है, डायरेक्ट लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है माय डियर कि देखिए एक प्लेन है कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, दो प्लेन, मतलब कि जो भी मटेरियल है ना एक नंबर ऑफ प्लेन से बने हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही यह स्ट्रेन हुआ तो ये क्या होता है, ये इनिशियल में ऐसा रहता है, लेकिन जैसे ही यह स्ट्रेन होता है ना तो ये धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे झुकने लगता है, मतलब झुकने का मतलब कि ये धीरे धीरे झुक करके
इसका मटेरियल का पॉइंट, इसका मतलब दो जो बॉन्ड होते हैं इसके पॉइंट, वो दोनों आपस में सट जाते हैं। मतलब कि अगर बोला जाए, इसको समझने के लिए देखा जाए, तो अगर आप बस में बैठे हैं, बस के अंदर बैठे हैं, अगर आप एक एक लोगों को आराम आराम से बाहर निकालिए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप बस में बैठे हैं और अचानक से बहुत तेज़ भीड़ हो गई उतरने वाले जगह पे, कैसे कि अगर बोल दिया जाए कि हाँ इस बस में बॉम्ब है, ट्रेन में बॉम्ब है, अब किसी भी जगह पे बोले ट्रेन में बॉम्ब है, तो अचानक से सब लोग दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे और इस पॉइंट तक मतलब पहुँचेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट जो पॉइंट से वो निकलना चाहेंगे वहाँ पे सब अस्टक कर जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से मटेरियल फ्लो करता है, एक लेयर तो दूसरे लेयर फ्लो करता है, तो दोनों एक जगह पे क्या होता है, अस्टक कर जाता है, फंस जाता है। तो जैसे ही फंसता है ना, तो जो अभी स्लिपिंग ऑफ प्लेन हो रहा था वो नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से दो मटेरियल होता है उसका ग्रेन अस्टक कर जाता है, जिसकी वजह से इसको डिफॉर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और इसके अंदर इसका शेप में, साइज़ में, इसका डायमीटर में कोई चेंजिंग अभी तक नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद हम लोग जैसे ही देखते हैं तो इसके अंदर नेकिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाता है, नेकिंग स्टार्ट हो जाता है। नेकिंग मतलब कि जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था वो चेंज होने लगता है, और होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि वहाँ पे फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, क्या होता है, टूट जाता है। मतलब इस जगह पे, इस पॉइंट पे हम लोग जब भी स्ट्रेस का वैल्यू लगातार लगाते रहें या फिर कम भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका नेकिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे UTS के बाद नेकिंग रीजन स्टार्ट होता है और फ्रैक्चर पॉइंट पे आकर के ब्रेक हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ होता है, कहाँ तक वैलिड होता है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और अभी अभी MRPL में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, फ्रैक्चर स्ट्रेस पूछा गया था, ठीक है, फ्रैक्चर स्ट्रेस, इस पॉइंट पे स्ट्रेस, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला ही पूछा था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोड पर यूनिट इंस्टेंटेनियस एरिया, लोड पर यूनिट इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है, उस पॉइंट पे बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन इसी डायग्राम के अंतर्गत एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इस पॉइंट पे, कहाँ पे, यील्ड पॉइंट के ऊपर, कि जैसे यील्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है तो क्या होती है माय डियर, इसी पॉइंट के ऊपर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये मान लेते हैं कि स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का यही स्पेसिमेन लिया है, ठीक है, इस पे हम लोग अभी तक जो भी लोड लगाए वो क्या लगाए, पी लगाए हैं। अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट तक पी लोड लगा है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएगा, इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसे डेवलप होगा, वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये मेंबर है, इसके ऊपर जब हम लोग पी लगाएंगे तो इसके ऊपर रेसिस्टिंग फोर्स जो लगेगा उसका इफेक्ट हम लोग एक्सियल पे, मतलब एक सेंटर पे कंसीडर करते हैं कि रेसिस्टिंग फोर्स जो लगता है, ठीक है, FR जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा। और जब तक यील्डिंग इसके अंदर नहीं आएगा, जब तक यील्डिंग इसके अंदर नहीं आएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं आएगा, तब तक जो हमारा P है वो इक्वल टू FR होगा, ठीक है, FR जो रेसिस्टिंग फोर्स है इसके बराबर होगा। लेकिन जैसे ही यील्डिंग स्टार्ट होगा ना, ठीक है ना, तो P ग्रेटर देन FR हो जाएगा, मतलब बोलेगा भाई अब तुम ले जाओ इसको खींच के, अब हमसे नहीं संभलेगा, ठीक है, अब हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर हो रहा है, ठीक है। और इसी के जैसे ही पी ग्रेटर होगा तो यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आकर्ष हो जाएगा, और उसके बाद आगे का जो मैंने बताया कि उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे होता है, वही स्लिपिंग ऑफ प्लेन के कारण स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है और जो उसका ग्रेन्स होता है वो स्टक कर जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है और यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट होता है, ठीक है। इसके बाद जब इतना हम लोग देख लिया, ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है UTS पॉइंट और क्या होता है ये सारा कुछ, तो उसके बाद ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या फिर इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग अगर माइल्ड स्टील यहाँ पे कंसीडर करें तो उसका क्या होगा, ठीक है ना। और माइल्ड स्टील क्यों,
क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो है ना, जैसे इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, अपर एल्ड पॉइंट, लोअर एल्ड पॉइंट, यूटीएस, फ्रैक्चर पॉइंट, सारा का सारा अलग अलग दिख पाता है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। उसके साथ ही साथ इसका अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करें तो इस पॉइंट तक, देखिए इस पॉइंट तक सेम आएगा, यहाँ से ऐसे प्लॉट करेंगे यहाँ तक सेम आएगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद चेंजिंग आ जाए, क्या आएगा कि जैसे हम लोग अगर बोले कि इस पॉइंट के बाद कैसे चेंज आएगा, तो इस पॉइंट के बाद एक ग्राफ है ना थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा, कहाँ जाएगा थोड़ा सा ऊपर की ओर, और जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा ना यूटीएस वाले पॉइंट के सीधा में, तो ये और ऊपर भाग जाएगा, जैसे यहाँ पे नेकिंग हो रहा था नीचे आ रहा था, लेकिन इस तरह यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग तो होगा, अगर टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग तो होगा, इस पॉइंट तक तो आएगा यूटीएस तक, लेकिन इस पॉइंट के बाद नीचे नहीं आके नेकिंग जैसे यह स्टार्ट होगा ना, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है, बट अगर हम लोग ट्रू स्ट्रेस देखें तो लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया होगा, तो इंस्टेंटेनियस एरिया का वैल्यू अगर हम लोग कम रहा है, लोड फिक्स है ठीक है ना, तो स्ट्रेस का वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ेगा, बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, और वही जो स्ट्रेस बढ़ता है ना वो इसको नीचे नहीं ले आके कर्व को ऊपर की ओर लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो यह हो गया ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और ये होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसके साथ ही साथ ये हम लोग माइल्ड स्टील का कंसीडर किए हैं, माइल्ड स्टील जो कि कार्बन परसेंटेज 0.15 से 0.30 तक होता है, ठीक है, ये एक लो कार्बन स्टील के कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर इसको देखें तो एक डक्टाइल मटेरियल है, उसके साथ अगर बोला जाता है कि माइल्ड स्टील आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये एक लो कार्बन स्टील है, एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है ना, तो लो कार्बन स्टील डक्टाइल मटेरियल होते हुए इसका स्ट्रक्चर BCC क्यों है, इसका स्ट्रक्चर BCC क्यों है, बिकॉज अगर बोला जाता है कि डक्टाइल मटेरियल जो भी होता है उसका FCC स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे उसका जवाब होगा कि भाई अगर FCC स्ट्रक्चर हो पाता वो एक ओरिजिनल मटेरियल रहता तब, ओरिजिनल कहने का मतलब उसमें एक ही तरीके का मॉलिक्यूल होता तब उसके अंदर FCC स्ट्रक्चर होता जैसा कि एल्यूमिनियम के अंदर होता है, बट यहाँ पे अगर देखें तो एक तरीके का मटेरियल इसके अंदर नहीं है, कार्बन एंड आयरन दो चीज़ का मिक्सर है, इसलिए ये माइल्ड होने के जगह पे मतलब डक्टाइल होने के बाद भी ये BCC कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर देखें तो जो हमारा माइल्ड स्टील होता है, जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिए हैं, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर हम लोग ब्रिटल का कंसीडर करें जो अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कास्ट आयरन, अगर हम लोग मान लेते हैं कि कास्ट आयरन का जो है कि ब्रिटल मटेरियल है, इसका हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करें तो कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कि इस प्रकार का हम लोग ले लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सेम टू सेम स्ट्रेन ले लिए और यहाँ पे स्ट्रेस ले लिए, तो अगर इस प्रकार से अगर यहाँ पे कास्ट आयरन का प्लॉट करें तो कुछ इस प्रकार तो आएगा, यहाँ तक आएगा इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट इसके अंदर ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा डायरेक्ट यहाँ पे टक और टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आकर के टूट जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि अगर हम लोग डक्टाइल मटेरियल लेते हैं ना, तो उस पर हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट हम लोग डिजाइन वैल्यू डिजाइन स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे देखें तो हम लोग यहीं पे जो YT होता है ना, ठीक है, यहाँ भी यील्ड पॉइंट ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिजाइन नहीं करते हैं, बिकॉज अगर बोला जाए कि आप किस तरीके का दोस्त बनाना चाहेंगे, ऐसा दोस्त जो कि समय पे काम दे आपको, या फिर अगर आपसे वो दोस्ती तोड़ रहा है तो पहले बोल दे कि हाँ भाई तुमसे अब मेरी दोस्ती नहीं जम रही है, मैं अब चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, या फिर कोई ऐसा दोस्त से आप दोस्ती करना चाहेंगे कि हाँ दोस्ती आई डायरेक्ट आपको गोली मार दे, तो कैसा दोस्त आप पसंद करेंगे। हाँ ऐसा दोस्त ना कि आपको अगर बुरा लगे, उसको अगर आपकी दोस्ती पसंद नहीं आ रही तो आपको बोल दे कि हाँ भाई तुम्हारी दोस्ती हमारी दोस्ती जम नहीं रही है, मैं चलता हूँ अपने रास्ते आप अपने रास्ते, ठीक है। तो ऐसा दोस्ती करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा होगा ना, तो आस्तीन का सांप अगर करेंगे ना तो आपको सीधे काटेगा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कास्ट आयरन भी है, ठीक है ना, जो कि आस्तीन का सांप है, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं रखेंगे, डिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिना बताए फेल कर जाएगा,
बिना बताए हमको तोड़ ताड़ के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है कास्ट आयरन का। डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर वाइब्रेशन अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग लेथ बेड बनाने के रूप में करते हैं, या फिर लेथ बेड के रूप में डायरेक्टली बोले तो चिल्ड कास्ट आयरन का भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर हम लोग एल्यूमिनियम का देखें तो कुछ इस प्रकार का होगा, एल्यूमिनियम का कुछ इस प्रकार का होगा कि ऐसे आएगा ले, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब अगर इसमें बोले कि भाई इसमें हमको अब मटेरियल एल्यूमिनियम का मटेरियल हमको अब डिजाइन करना है, तो बताओ यील्ड पॉइंट हम कौन सा कंसीडर करेंगे, यील्ड पॉइंट हम कौन सा कंसीडर करेंगे, हमें तो इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा यील्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो इस केस में एक होता है ऑफसेट मेथड, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ऑफसेट मेथड क्या होता है, जो ये ग्राफ बनता है ना कुछ हद तक कुछ पॉइंट तक सीधा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है, मतलब इलास्टिक लिमिट तक अगर बोला जाता है या प्रोपोर्शनल लिमिट जो भी बोलो इस पॉइंट तक सेम रहता है, मतलब पैर सीधा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो इसी पॉइंट के अलॉन्ग 0.2% स्ट्रेन पे अगर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जाकर कटता है ना, जिस पॉइंट पे जाकर के कट करेगा तो उसी पॉइंट को हम लोग ले लेंगे यील्ड पॉइंट, ठीक है, वाई टी यील्ड पॉइंट टेंसाइल में यहाँ पे ले लेंगे और इसी पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि यील्ड पॉइंट इसका यहाँ पे है, ठीक है। 0.2% स्ट्रेन बोले या फिर अगर इसको डायरेक्टली लिखा जाए कि कितना स्ट्रेन, तो 0.00, ठीक है, 2% तो हट गया, 0.002 स्ट्रेन जो हो जाएगा ये वैल्यू होता है। इस पे अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो हमको जो मिलेगा वो होता है कौन सा, तो ऑफसेट मेथड से हम लोग को यील्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का, और आप इतना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप शॉर्टकट में बता के निकल जाएंगे, हाँ जैसे पूछा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लिए और माइल्ड स्टील का खड़ा खट खटा खट खींच के निकल गए, बोले भाई किस चीज़ का बना दिया तुमने, ठीक है, तो उस केस में आपको फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट स्टेप वाइज एक एक करके आप बताएंगे उनको तो उनको सारा कुछ समझ आएगा बिना बताए, और उनको और काफ़ी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और ये अच्छे से सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। या फिर अगर इसको कुछ भी बताया जाए ना तो बिल्कुल अच्छे से ग्रैब करेगा, इसका जो मतलब कैचिंग कैपेसिटी है अच्छा है, तो ये सब चीज़ से आपको थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा मिलेगा, सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी प्रिपरेशन कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।